हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी पार्ट टू, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग जैव कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? चार ऑप्शन है यहाँ पे, कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या स्टोमेटा। तो इसका सही उत्तर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल के अंदर पाया जाने वाला सेल ऑर्गेनल्स है, और इसमें क्या होता है, रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। आपने सुना होगा कि रेस्पायरेशन की प्रोसेस में दो साइकिल होती है, एक तो होती है ग्लाइकोलिसिस और दूसरी होती है क्रैब साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में हो जाती है, लेकिन जो क्रैब साइकिल है वो कहाँ कंप्लीट होती है? वो कंप्लीट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइट्रो क्रैब साइकिल के लास्ट में बहुत सारी ऊर्जा रिलीज होती है, और ये सारी ऊर्जा कहाँ स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के और भी क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं देखिए, कि कोशिका का श्वसन केंद्र कौन सा है? तो उसका भी सही उत्तर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का इंजन कौन सा है, तो उसका भी सही उत्तर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इतने तरीके से ये क्वेश्चन को पूछ सकता है। इसके बाद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी खोज किसने की है? तो इसमें दो साइंटिस्ट का नाम आता है, एक तो अल्टमैन और दूसरा कालीकर। इन दोनों ने क्या करा है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है, ये भी कई जगह पूछा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है बेंडा ने। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, नाम किसने दिया है? बेंडा ने, और खोज किसने की है? अल्टमैन और कालीकर ने। चलिए अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं हम जल्दी से। तो हमारा पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। प्लांट सेल के ऊपर एक मोटी सी भित्ति पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। दोस्तों, प्लांट और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, वो है केंद्रक। जो केंद्रक है, ये सेल के सेंटर में पाया जाता है। इस तरह से सेल है तो इसके सेंटर में पाया जाता है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक मटेरियल, जो हमारा डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, वो सभी कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होता है। और केंद्रक की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टोमेटा। स्टोमेटा पत्तियों की सरफेस पर पाए जाने वाले बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, और इनसे होकर वायु, गैस तथा जल वाष्प का आदान प्रदान होता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्टोमेटा भी। चलिए चार ऑप्शन कंप्लीट हो गए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? चार ऑप्शन है यहाँ पे भी, अग्नाशय, थायराइड, पीयूष, यकृत। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में टर्म आया है अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन तथा बहिःस्रावी यानी एक्सोक्राइन। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या होता है। तो देखिए, एंडोक्राइन जो है, एंडोक्राइन में क्या होता है? वाहिकाएं प्रेजेंट नहीं होती हैं। एंडोक्राइन के अंदर कोई नलिकाएं या कोई वाहिकाएं प्रेजेंट नहीं होती हैं, और एंडोक्राइन ग्रंथि हमेशा हार्मोन रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती हैं? हार्मोन रिलीज करती हैं, और इसके द्वारा रिलीज होने वाला हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में जाकर मिक्स हो जाता है। तो ऐसी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम एंडोक्राइन। अगर हम बात करें एक्सोक्राइन की, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? ऐसी ग्लैंड जिसमें वाहिका प्रेजेंट हो, जिसमें नली प्रेजेंट होती है, और ये किसका सिक्रेशन करती है? ये एंजाइम का सिक्रेशन करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बहिःस्रावी ग्रंथि किसका सिक्रेशन करती है, तो आप लिखेंगे एंजाइम का सिक्रेशन करती है। और अगर पूछा जाए एंडोक्राइन ग्लैंड किसका सिक्रेशन करती है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये दोनों इसमें मेजर डिफरेंस है। चलिए अब जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, वो ये है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। तो वो एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। तो सही ऑप्शन कौन सा है? अग्नाशय। अग्नाशय एग्जाम्पल है मिश्रित ग्रंथि का, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह कार्य करती है, मतलब हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करती है और साथ ही साथ एंजाइम का भी सिक्रेशन करती है, ठीक है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो अग्नाशय है, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इससे हार्मोन तथा एंजाइम दोनों का ही सिक्रेशन होता है। चलिए बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन में है थायराइड,
थायराइड ये गले के निचले हिस्से में प्रेजेंट ग्रंथि होती है। ये किस तरह की ग्रंथि है? तो ये है एंडोक्राइन ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसके अंदर से दो प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, पर इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये है तो सबसे छोटी, लेकिन इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसे आप समझ सकते हैं। अब इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कई सारे हार्मोन को सिक्रेट तो करती ही है, साथ ही साथ ये अदर ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स का कंट्रोल भी देखती है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यकृत। यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इससे बाइल जूस निकलता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि बाइल जूस प्रकृति में कैसा होता है, तो बाइल जूस प्रकृति में क्षारीय होता है, मतलब ये बेसिक नेचर का होता है। चलिए चार ऑप्शन कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम दूध का पाश्चीकरण किसने किया था? चार ऑप्शन है यहाँ पे, लेनस्टीनर, लुई पाश्चर, रॉबर्ट कोच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, लुई पाश्चर ने सबसे पहले दूध का पाश्चीकरण किया। देखिए इनके नाम में ही पाश्चर आ रहा है, इनका जो सरनेम है वो पाश्चर, इसी नाम से इन्होंने क्या रख दिया? पाश्चीकरण। और पाश्चीकरण की प्रोसेस कुछ टफ नहीं है, जो हम डेली दूध को गर्म करते हैं उसके बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, यही प्रोसेस क्या कहलाती है? दूध का पाश्चीकरण करना कहलाती है। ये जो लुई पाश्चर है ये कहाँ के साइंटिस्ट हैं? ये फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। और एक और चीज इनके बारे में पूछी जाती है, इन्होंने रेबीज के टीके की, रेबीज जो कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है, उसके टीके का आविष्कार भी किसने किया है? तो वो किया है लुई पाश्चर ने, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन में सबसे पहले है लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ये ऑस्ट्रिया के बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सन 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज की है। ठीक है, कब की है? सन 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज की है, और 1930 में मतलब 1930 में उन्हें इनकी इस खोज के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज इसलिए बताया क्योंकि कई बार इनके नोबेल प्राइज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन से साइंटिस्ट हैं? रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच जो है ये एक फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पता लगाया था कि बहुत सारे रोग किससे होते हैं? माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं। और इन्होंने कॉलेरा कॉलेरा तथा टीवी, कॉलेरा का मतलब होता है हैजा, और टीवी टीवी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, इसके टीके की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट कोच ने की है। चलिए चार ऑप्शन कंप्लीट होते हैं, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, माइकोलॉजी। कवक या फंजाई के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा जो कवक से क्वेश्चन आता है वो भी आपको बता देती हूँ। कवक के बारे में पूछा जाता है कि कवक अपना भोजन किस रूप में संचित करता है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोजन। कवक जो है अपना भोजन किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। किस रूप में करता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कवक की सेल वॉल किसकी बनी होती है? कवक की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो काइटीन। किसकी बनी होती है? काइटीन। आपको याद रखना है फंजाई या कवक की सेल वॉल काइटीन की बनी होती है। ठीक है, आप चलिए बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन में है, पहला है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवाल मतलब एल्गी की स्टडी की जाती है, किसमें? फाइकोलॉजी में। इसके बाद है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी वायरस की स्टडी वायरोलॉजी कहलाती है। कल ही मैंने आपको बताया था कि वायरस की खोज किसने की थी, तो वायरस की खोज की है इवानोवस्की ने। कब की है? 1892 में की है। कब की है? 1892 में की है। और सबसे पहले कौन से वायरस की खोज हुई थी? तो वो है TMB, मतलब टोबैको मोजाइक वायरस की सबसे पहले खोज की गई थी। चलिए यहाँ भी चार ऑप्शन कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, इपीफाइट या मेसोफाइट। तो इसका सही उत्तर है बी, जीरोफाइट।
रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरो फाइट कहलाते हैं। ये प्लांट जो होते हैं वो शुष्क स्थानों पर, यानी जहां पर पानी की कमी होती है, ऐसे स्थानों पर उगते हैं। उन प्लांट को क्या कहा जाता है? जीरो फाइट कहा जाता है। अगर आप किसी जीरो फाइटिक प्लांट को देखेंगे, जैसे कैक्टस या नागफनी, इन्हें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनकी जो पत्तियां होती है बहुत ही फ्लैशी होती है, मतलब बहुत ही मांसल होती है। वो इसीलिए क्योंकि ये कुछ खाना और कुछ पानी अपनी पत्तियों में स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि इन्हें कहाँ उगना है, शुष्क स्थानों पर, ड्राई एरिया में इन्हें उगना है, इसलिए ये कुछ खाना और पानी अपने अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। अब चलिए बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन में पहला है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट जो जल की अधिकता में उगते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है हाइड्रोफाइट्स, तो हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट। तो प्लांट ऐसे प्लांट जो पानी की अधिकता में उगते हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इपीफाइट। इपीफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो यांत्रिक सपोर्ट के लिए किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं वैसे प्लांट कहलाते हैं इपीफाइट्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मीजोफाइट। मीजोफाइट स्थलीय पौधे होते हैं जो ना तो पर्टिकुलरली सूखे और ना ही पर्टिकुलरली गीले पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर रोग की कोशिकाओं में कौन से प्रकार का विभाजन होता है। यहाँ ऑप्शन देखने से पहले दोस्तों हमारा टर्म क्या आया है? कैंसर। तो हमें पहले ये जानना है कि कैंसर एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए जो सेल है, आपको इतना तो पता ही होगा कि मानव शरीर की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? वो है सेल। ठीक है, अगर ये सेल जो होती है वो डिवाइड करेगी, या तो ये डिवाइड होकर दो सेल बनेगी या डिवाइड होकर चार सेल बनेगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए इस सेल में ऐसा अनकंट्रोल डिवीजन हो कि ये डिवाइड होते ही जाए, मतलब डिवीजन कैसा हो रहा है? अनकंट्रोल है, हम उसको, वो अनियंत्रित है, हम उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, और एक के बाद सेल बनती जा रही है, तो सेल बनते बनते एक दूसरे के ऊपर चढ़ती जाएगी और एक गुच्छे के रूप में हो जाएगी, जो बहुत कड़क गुच्छा होगा, मतलब बहुत टाइट गुच्छा होगा, या एक ट्यूमर होगा जैसे आप कह सकते हैं। और ये जो ट्यूमर होगा यही आगे जाके क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कैंसर क्या है, तो सेल्स की अनकंट्रोल ग्रोथ को ही कैंसर कहा जाता है। अब चलिए हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कैंसर रोग की कोशिका में कौन से प्रकार का विभाजन होता है, अर्धसूत्री, समसूत्री, असूत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, समसूत्री या माइटोसिस। समसूत्री या माइटोसिस डिवीजन की खासियत होती है कि इसके द्वारा एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है। इसके द्वारा एक सेल से कितनी? सिर्फ दो ही सेल का निर्माण होता है। चलिए बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो वो है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन में एक सेल से चार सेल का निर्माण होता है। कितनी सेल का? चार सेल का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन में। इसके बाद है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन में जो विभाजित होकर सेल बनती है वो कैसी होती है? अनइक्वल होती है और अनडेवलप होती है। एक बहुत बड़ी हो सकती है, एक बहुत छोटी हो सकती है, या एक बहुत छोटी हो, एक थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो, कैसी भी हो सकती है, लेकिन असमान होती है। तो असूत्री की ये खासियत होती है कि जो सेल बनेगी वो कैसी होगी? असमान होगी और अनडेवलप्ड होगी। ठीक है, चलिए यहाँ भी चार ऑप्शन कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू बुखार के समय शरीर में किसकी कमी हो जाती है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि डेंगू क्या है। तो डेंगू जो है वायरस से होने वाला एक रोग है, और ये किसके द्वारा संचरित होता है? ये एडीज मच्छर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? एडीज मच्छर के द्वारा संचरित होता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे डेंगू जो है सिर्फ डेंगू नाम से नहीं पूछा जा रहा है आजकल, इसको अलग अलग नाम से पूछा जा रहा है। तो इसके जो नाम है वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो इसका नाम है वो है ला डेंगू। क्या पूछा जा रहा है? ला डेंगू। इसके अलावा इसका जो नाम है सिंगापुर हेमोरेजिक फीवर। सेकंड क्या है? सिंगापुर हेमोरेजिक फीवर। तीसरा है हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार। और चौथा है थाई। इनमें से अगर चारों में से कोई भी नाम से आपसे पूछा जाए तो वो डेंगू के ही नाम है। ठीक है, आपको चारों नाम याद रखने हैं। और ये चारों नाम किसके हैं? ये चारों नाम डेंगू के ही हैं जो एग्जाम में अलग अलग नाम से पूछा जा रहा है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? डेंगू बुखार के समय शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स, जल, शर्करा या हीमोग्लोबिन। तो इसका सही उत्तर है ए, प्लेटलेट्स। अब ये प्लेटलेट्स क्या है? तो आपको पता होगा कि ब्लड में तीन प्रकार की सेल पाई जाती है, आरबीसी,
WBC और कौन सी, प्लेटलेट्स। ये तीन प्रकार की सेल्स किस में पाई जाती है? ब्लड में पाई जाती है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करना, ठीक है। प्लेटलेट्स मेनली क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। अगर देखिए बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो क्या होगा, अगर बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या होने लगेगा, खून का रिसाव होने लगेगा, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्लेटलेट्स की मात्रा जितनी ज़रूरत है उतनी हमारी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कौन सा बुखार हो जाएगा, डेंगू बुखार हो जाएगा। चलिए अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन में है जल, अगर जल की कमी हो जाए शरीर में तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। जल की कमी से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखते हैं, अगर शर्करा की कमी हो जाए, शर्करा या शुगर की कमी से हमारी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। और इसके बाद है हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए बॉडी में तो एनीमिया या अरक्तता की बीमारी हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? चार ऑप्शन है यहाँ पे, नियासिन, पेंटोथेनिक अम्ल, पायराडॉक्सिन या साइनोकोबालामीन। तो इसका सही उत्तर है ए, विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है विटामिन के बारे में एग्जाम में, तो पूरा विटामिन एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बी कॉम्प्लेक्स के नाम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इसकी ट्रिक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। और इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है B3 से कि B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एक रोग है जिसका नाम है पेलाग्रा, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, तो नियासिन की या B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। ये एक स्किन का रोग है, स्किन डिजीज है, इससे स्किन छिलने लगती है और इतनी छिल जाती है कि पूरा रेड रेड दिखाई देने लगता है। तो ये आप ये इसको गूगल करके भी जरूर देखिएगा पेलाग्रा रोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। चलिए बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन है पेंटोथेनिक अम्ल, तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है किसका, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं पायराडॉक्सिन, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायराडॉक्सिन। पायराडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है, विटामिन B6 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साइनोकोबालामीन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। और सभी विटामिन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B12। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 है। आप इसका नाम देखिए साइनोकोबालामीन, तो ये जो कोबाल है मतलब कि कोबाल्ट, तो किसके अंदर, B12 के अंदर ही कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। अगर किसी के अंदर B12 की कमी हो जाती है तो पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। अब ये पर्नीशियस एनीमिया क्या है, पर्नीशियस एनीमिया में जो RBC है बहुत ज़्यादा उत्पन्न नहीं हो पाती है और रक्त की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था, दुर्गा, लुइस ब्राउन, डॉली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, लुइस ब्राउन। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था, लुइस ब्राउन। लेकिन हमें यह जानना भी जरूरी है कि परखनली शिशु एक्चुअली में है क्या, तो यहाँ IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहलाता है। क्या कहलाता है, इसे IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन या निषेचन कराया जाता है। ये भी पूछा जाता है कई बार कि इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज की है डॉक्टर रॉबर्टसन ने। किसने की है इसकी खोज, डॉक्टर रॉबर्टसन ने इसकी खोज की है। और कब की है, 1978 में की है। कब की है, 1978 में की है। और 2010 में इन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया है, तो 2010 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। और इन्होंने पहली परखनली शिशु का नाम क्या रखा था, तो रखा था लुइस ब्राउन। चलिए अब जल्दी से बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है मैंने दुर्गा, तो ये दुर्गा कौन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, अभी जो हमने टेस्ट ट्यूब बेबी देखा वो विश्व की टेस्ट ट्यूब बेबी थी जिसका नाम था लुइस ब्राउन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा, दुर्गा, ठीक है। और इसके जनक कौन है, भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक कौन है, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय जो है ये हैं भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक, और इन्होंने ही दुर्गा नामक
जो टेस्ट ट्यूब बेबी है इसका निर्माण किया है। ठीक है, दुर्गा को किसने पैदा करवाया है, तो वो है सुभाष मुखोपाध्याय ने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है डॉली। तो डॉली मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, इसीलिए लिखा है क्योंकि डॉली विश्व की पहली क्लोन भेड़ थी। ठीक है, बाकी हमने जो दो ऑप्शन देखे वो तो टेस्ट ट्यूब बेबी के थे, लेकिन डॉली एक भेड़ थी जो सबसे पहला क्लोन था। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे पहला क्लोन किसका था, तो आप कहेंगे एक भेड़ का था, और उस भेड़ का नाम क्या रखा गया था, डॉली रखा गया था। अब ये क्लोन क्या होता है, देखिए क्लोन का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अगर आप कोई चीज बना रहे हैं, समझ लीजिए मैं हूँ, मेरी सेम एक और कॉपी, एकदम सेम, कुछ भी अलग नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल बिल्कुल सेम, तो ये क्या कहलाएगा, कार्बन कॉपी या फिर क्लोन, जिसे हम कहते हैं डिट्टो सेम। डिट्टो सेम आपने सुना होगा, तो ये शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं, क्लोन के लिए यूज करते हैं। तो समझ में आया कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी जो होती है वो अलग हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो आइडेंटिकल हो, लेकिन क्लोन जरूरी होता है कि वो आइडेंटिकल हो, वो इंटरनल एक्सटर्नल बिल्कुल सेम होता है। और सबसे पहली क्लोन कौन थी, एक भेड़ थी जिसका नाम क्या था, डॉली था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एग्रोस्ट्रोलॉजी, एंथोलॉजी, पेलिनोलॉजी या पोमोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है बी, एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन में है एग्रोस्टोलॉजी, तो घासों के अध्ययन को, घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी परागकण या पॉलन ग्रेन, परागकण या पॉलन ग्रेन का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है। इसके बाद है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे चारों ही ऑप्शन कंप्लीट हो गए हैं, और यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों वीडियो कैसे लगा ये जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।